कैश फ्लोस बेबी यू बस वेलकम बैक टू माय पबजी एल की वीडियो। तो गाइस यार आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होने वाली है, क्योंकि यार मैं इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ कि भाई अपनी क्लोज रेंज भाई कैसे इंप्रूव करे। कई लोंडे आके मेरे से यार पूछते हैं कि यार आपका इतना क्लोज रेंज कैसे बढ़िया है, क्योंकि यार मैं डालता हूँ 1v3 रैंडम वाली वीडियोज़, तो भाई उसमें कई लोंडे टाइप करते हैं यार कि क्लोज रेंज कैसे इंप्रूव करें, ठीक है, या मेरे को भाई ट्रेनिंग वेनिंग दे दो। तो यार मैं ट्रेनिंग वाली वीडियो ही लेके आ गया। मैं कहा यार एक एक को कैसे दे सकता हूँ, बट इससे बढ़िया मैं यार एक वीडियो ही बना दूँ इसके ऊपर एंड वीडियो अलग से ही ले आऊँ, ठीक है। तो कैसे इस वीडियो में आपने सीखने मिलेगा भैया कैसे आप अपने जो गेम प्ले है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं एंड भाई मेरे से भी बढ़िया खेल सकते हैं, ठीक है। तो गाइज आपको क्या करना है ना, सीधा यहाँ पे भाई एक M4 उठानी है एंड भाई सीधा जैसे मैं करना हूँ वैसे ही करना भाई, बिल्कुल सेम टू सेम करना है। ट्रेनिंग ग्राउंड में आ गया, ठीक है। देखो गाइस आपको क्या करना है ना भाई, एक M4 उठा लेना। वैसे मेरी M4 पे फिलहाल अटैचमेंट कोई लगी नहीं हुई, और भाई पता है क्या, लाइक ये यहाँ पे आ जाना इस तरफ लेफ्ट में, ठीक है। तो यार यहाँ पे आगे देख लेना, इस जो लोंडा खड़ा है ना, या तो लोंडे के गोली मार लो अगर आपके पास लोंडा खड़ा हो, और भाई ट्राई करना आप एम हेड पे रखो, ठीक है। लाइक जिगल पेल सकते हो आप आगे उसके, ठीक है। लाइक देखो मेन एम क्या होना चाहिए ना आपका, कि भाई लोंडे के हेड पे जाए एम, लोंडा लोंडी या जो भी भाई आगे आपके ओपोनेंट में उसके यार हेड पे एम जाना चाहिए, ठीक है। जैसे देखो मैं सिखा रहा हूँ यहाँ पे, देखो मैंने अपना भाई जॉयस्टिक भी थोड़ा सा ना अपना डार्क सा कर दिया, जहाँ पे आप देख सकते हो मेरी मूवमेंट की मैं कर क्या रहा हूँ। इसे कहते हैं गाइस जिगल। जिगल जिगल आपने सुना ही होगा यार पबजी के अंदर, जो कि यार बहुत ही ज़्यादा काम आता है यार अपना लड़ने में, ठीक है, पबजी मोबाइल के अंदर। और यहाँ पे यार देखो आपको क्या करना है ना भाई, जिगल पेलनी है आपको, जिगल की बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है मारते वक्त, ठीक है। और गाइस आपको एम भी अपना ऐसे मार मार के देखना है, जैसे देखो मैं कर रहा हूँ, लाइक हेड पे ही एम जाना चाहिए। जो भैया ये अपने मारने के लगे हुए हैं ना, इस पर भाई पूरा टारगेट करके देखो और ट्राई करो यार, मतलब लाइक हेड पे एम जाए, ठीक है। देखो लाइक मैं जैसे कर रहा हूँ, ठीक है, अलग अलग जो ये टारगेट से रखे हुए भाई इस पे एम कर रहा था, और भाई यही था वीडियो में, ठीक है। और भाई अब तो मैं मैच खेल के दिखाऊंगा एंड मैच के अंदर ही बताऊंगा कि भाई कैसे अपने आप को इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो यार ये वाली गेम प्ले वीडियो भी देख लेना, ठीक है, बहुत बढ़िया गेम प्ले है। और वैसे मैं अपने कपड़े कुपड़े बढ़िया तरीके से तार के आ गया था अपने, क्योंकि भाई अपन नूब है भाई, अपन नूब को बिल्कुल चढ़ावा देंगे बहुत ही तगड़े वाला। और भाई कतई नूब के कपड़े पहन के सबको मार के दिखाएंगे मैच के अंदर। तो भाई ये वाले दो लोंडे बहुत ही ज्यादा हरामी थे भाई, ये सोच रहे थे यार मेरे को मार देंगे भाई, इनके पास गन थी भाई बहुत ही बढ़िया अच्छी खासी गन लेके आए थे भाई मेरे ऊपर फुल पैक क्योंकि, बट यार मेरे पास एक पैन था भाई, वो ही मेरे लिए भाई बहुत ही ज्यादा बढ़िया था, उससे ही मैंने भाई लोंडे भर दिए दोनों भाई। ये सोच रहे थे यार आगे तो कोई नूब सा प्लेयर है इसलिए मार देंगे जाके उसको बहुत ही तगड़े तरीके से, बट उन्हें नहीं पता था यार 1v3 वाला प्लेयर आ चुका है, TDM में मारा है जो। तो फिलहाल हम आ चुके हैं यहाँ पे भाई अपना रोजोक की तरफ। भाई रोजोक एक ऐसी जगह है जहाँ पे भाई बंदे पावे पावे, आप आ जाओ ना एक बार रोजोक हिल में तो भाई बंदे जरूर मिलेंगे। ऊपर भी है सर, ऊपर वाला आया, गाइस इस गेम प्ले में आपको बहुत ही ज़्यादा सारी बहुत ही लाइक बहुत सारे टिप्स दूंगा भाई अपने क्लोज रेंज या फिर मिड रेंज लॉन्ग रेंज कैसे इंप्रूव करें। गाइस मेरे पास बहुत ही आपके लिए भर भर के मतलब इन्फॉर्मेशन है, तो गाइस यार वीडियो को पूरा देखना एंड गाइस इफ आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा ना चैनल को तो यार किस वेट में हो जल्दी से कर दो। एंड गाइस मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिलहाल गाइज वहां से यार राइट से बंदा आ रहा था एंड गाइज अब देखना भाई सिचुएशन ये वाली कैसी रहेगी यहाँ पे, ठीक है। तो गाइज अब आपको एक नई ट्रिक पता चलेगी भाई क्लोज रेंज में घुसने की, तो भाई अब देखना यार मैं करूँगा क्या, मेरे मूवमेंट पे ध्यान देना। तो
पतंग उसके पास ही चला गया सामने। तो यार यहाँ पे मैंने उसकी किल चुरा ली। देखो मैंने यहाँ पे एफपीवी स्विच इसलिए करा क्योंकि गाइस देखो क्लोज रेंज एक ऐसी चीज होती है भाई जो कि अगर आपको आती है ना तो भाई आप सबको भर सकते हो। एंड गाइस आप कॉनकरर भी भाई बहुत ही ज्यादा तरीके से बहुत ही ज्यादा आसान तरीके से जा सकते हो, ठीक है। तो गाइस देखो एफपीवी स्विच करने का एक फायदा होता है, ठीक है। लाइक फायदे तो बहुत सारे होते हैं बट मैं मेन फायदा बताता हूँ तुम्हें कि भाई अगर आपने एफपीवी स्विच कर लिया ना तो गाइज यार आपको बिल्कुल फुल व्यू मिलता है, ठीक है। लाइक टीपीपी में तो आपका बंदा अड़ जाता है आपके आगे बट यार एफपीवी में थोड़ा सा बड़ा व्यू मिलता है एंड बढ़िया व्यू मिलता है। तो गाइज ट्राई करा करो आप एफपीवी में घुस जाओ। इफ़ आपके आगे दो बंदे भी बैठे हुए हैं ना तो आप उनको बहुत ही तगड़े तरीके से भर सकते हो क्योंकि आपको अपनी बॉडी नहीं दिखेगी, बस आगे वाले की दिखेगी जिसको आप बहुत ही तगड़े तरीके से भरोगे। तो यार फिलहाल मैं आगे आ चुका हूँ रश करने यहाँ पे। मैंने M4 से बंदा ठिलाया था तो अब देखना कैसे मारेंगे इसको। तो यार यहाँ पे मैंने एक लौंडा ठिला दिया बहुत ही तगड़े तरीके से एंड भाई अब इस पे रश करने की बारी है, ठीक है। तो भाई अब देखना मैं इसको कैसे ठिला दूं अंदर जाते ही। देखो गाइस आपने इफ गौर करा हो तो मैंने यहाँ पर वही सेम चीज करी जो कि यार मैंने शुरू में बताई आपको जो थी भाई हेड पे एम करना, ठीक है। तो मेरे को भाई अंदर पता चल गया था यार अंदर घुसते ही कि यार वहाँ पे लोंडा बैठा हुआ है और मेरे को यार अंदाजा भी था कि यार वो रिवाइव भी दे रहा होगा, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है, क्योंकि यार वो मैंने अभी ठिलाया था, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैंने बहुत ही तगड़े तरीके से फिनिश कर दिया। तो यार इतनी देर में आगे से यार और लोंडे आ जाते तो यार उनका भूतसा तारते अभी जागे आगे जागे। भाई ये लोंडा तो ऐसे आया था जैसे यार अभी थोर को खत्म करेगा आके और इसका भाई भस्म करने की कोशिश कर रहा था बहुत ही तगड़े तरीके से। भाई इसको यूं नहीं पता था इसका भैया अपना दादाजी खड़े हैं पीछे और भाई वो वैसे मार सकते हैं। गाइस मेरे को एक बात इस मैच में समझ नहीं आ रही थी, मैं खेल रहा था भाई डुओ वर्सेस स्क्वाड, ठीक है, बट मेरे को ये समझ नहीं आ रहा था यार डुओ वर्सेस स्क्वाड में यार लोंडे दो आ रहे थे पता नहीं यार कैसे, बट यार हमें गया मेरे को तो यार प्रॉफिट ही मिला उससे। तो यार फिलहाल यहाँ पे मैंने भाई रोजो पूरा खाली कर दिया और यहाँ पे भाई अपन ने ठाली भाई यहाँ से बग्गी और भाई अभी बंदे थोड़े से बढ़िया बचे हुए थे, लाइक 13 बंदे अभी भी अलाइव थे एंड भाई मेरी अच्छी खासी किल्स हो गई थी, ठीक है। तो गाइस अब क्या सीन होता है ना यार मैं अपना बंदे को बोल लूँ यार कि जल्दी से भगा ले गाड़ी को अपना जोन के अंदर एंड भाई जोन के अंदर जाके बढ़िया तरीके से बंदे पेल लेंगे। तो यार यहाँ पे आगे लोंडे रुक जाते हैं एंड भाई हम भी यहीं रुक जाते हैं एंड गाइज यहाँ पे थोड़ा सा वैसे नशा नुशा सा कर रखा होता है मैंने तो इसलिए मैं थोड़ी सी देर के लिए भाई बग्गी में बैठा रह जाऊँ। तो भाई अब देखना भाई प्रिडिक्शन नेट की। एंड गाइस एक बात बता दूं मेरा एम असिस्ट पूरे मैच में ऑफ था तो भाई मैंने ना पता भाई कैसे ऑफ था बट मेरे को खुद नहीं पता था ऑफ है तो यार कैसे तैसे बच गए यहाँ पे हम। तो गाइस यार यहाँ पे मैं एफपीवी इसलिए स्विच कर रहा था, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ क्यों कर रहा था, क्योंकि भाई बढ़िया व्यू मिलता है एफपीवी स्विच करके एंड भाई प्रो मोमेंट आती है, ठीक है। और गाइस आपको जिगल तो मैंने सिखाई दिया है शुरू में, तो गाइस देखो मारा करो और जब भी मारो ना गाइस जिगल जरूर मारा करो। तो गाइस वैसे मेरे को लग रहा था ये ESP वाला लोंडा है, तुम खुद देख लेना तुम्हें खुद पता चल जाएगा, इसने शायद से ESP लगा रखा था। देखो गाइस इसको मैंने ESP वाला इसलिए गया क्योंकि यार देखो इसने ऐसे नेड करके दिखाया ना हम पे कि भाई हम
एक कोने में छुप रहे हैं भैया, एक कतई खोपचे में भैया छुप रहे हैं बढ़िया तरीके से, बट वहीं पे आके नेट आ जाता है। मतलब भाई बहुत ही गलत सीन था यहाँ का। तो भाई फिलहाल मैं यहाँ पे फ्लेयर चला देता हूँ, मैं कहा यार खाली पड़ी है फ्लेयर, तो यार इसको फूक फाक दे हवा में, थोड़ा यार लूट वूट सी मिल जाएगी। बट उसका कोई फायदा नहीं हुआ सही बताऊँ तो, क्योंकि यार उसमें पता नहीं क्या था, मेरे को खुद याद नहीं है। तो भाई देखो हम भाई बिल्कुल बढ़िया तरीके से आराम से जा रहे थे, कुछ नहीं कह रहे थे इस लोंडे को, बट भाई लोंडे ने इतना स्वैग दिखा दिया अपना कि अब भाई खुद मरेगा। तो गाइस अगर आपको ये वाला स्प्रे पसंद आया तो यार मेक श्योर लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, ठीक है, क्योंकि यार और गेम प्लेस आने वाले हैं अगर आप चाहते हो तो, ठीक है, क्योंकि यार रैंडम वाला थोड़ा गलत सीन है, 1v3 हो जाता है उसमें भाई बहुत ही ज़्यादा गलत तरीके से। और यार मेरे को लगता है कि यार आपको इरंगल के गेम प्लेस भी देखने पसंद होंगे। तो भाई अब देखना भाई फिर से अपनी FPV वाली ट्रिक कैसे यूज़ करेंगे। फिलहाल मेरे को पता था यार आगे की तरफ बंदा है, तो यार मैं फिलहाल एक नेड कुक करता हूँ एंड अंधा फेंक देता हूँ। तो अब देखना गाइज, देखो एक और बात बताना चाहूंगा आपको, इफ क्लोज रेंज अपना बेटर करना ना तो गाइज TDM जाओ, साउंड सब ऑफ कर दो, ठीक है, एम असिस्ट भी ऑफ कर दो अपना, और TDM में पेल लो भाई बंदे, और गाइज ट्राई करना आपका हेड पे ही एम जाए और कहीं जाए ना एम। गाइज जो मैंने इस वीडियो में बताया ना, अगर आपने वो कर लिया भाई TDM बीस्ट बन जाओगे, क्लोज रेंज बीस्ट बन जाओगे, सही बता रहा हूँ। बट यार फिलहाल हम यहाँ पर एक सिचुएशन में फंस गए थे बहुत ही गलत वाली, जहाँ पे भाई अब कैसे लोंडा भाई बहुत ही गंदी DP भर रहा था हमारे अंदर। फिलहाल यार कैसे तैसे भाई वो ये लोंडा अपने लोंडे की यार अपनी रिवील कर देता है सब कुछ अपने। अब देखना भाई कैसे मारेंगे इसको। तो यहाँ पे मिल चुका मैं विनर थे, विनर थे चिकन थे डिनर थे, आई होप सो वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इंस्टाग्राम योरा यार लाइक जरूर कर देना, फॉलो कर देना सारी चीज़। इट्स एम्पायर साइनिंग आउट, पीस आउट।